सावन महीना अब अपने समापन की तरफ है। कल सावन की सातवीं और मलमास के बाद पहली सोमवारी है और ऐसे में एक बार फिर बाबा नगरी में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। ये इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है और यहां माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर के बीच गठबंधन बांधा जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी दीप नारायण। 105 किलोमीटर की लंबी पांव पैदल यात्रा उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से शुरू करते हैं। इसके बाद झारखंड बॉर्डर में इनकी एंट्री होती है और फिर 10 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए बाबा धाम पहुंचते हैं। बाबा नगरी का ये बाबा मंदिर का परिसर है और आपको बता दें कि यहाँ की परंपराएं और यहाँ की पूजा पद्धति जो है वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर गठबंधन कराने की परंपरा रही है और इसलिए ये परंपरा है क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ है। तस्वीरों के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक देते हैं कि देखिए ये जो है ये धागा जो आप सामने दीवार पर देख रहे हैं इसे गठबंधन कहते हैं और ये जो तमाम ऊपर में आपको भंडारी दिख रहे होंगे ये जो है ये यहाँ पर गठबंधन कराते हैं। दूसरी खास बात है कि यहाँ बाबा को जलार्पण करने के अलावा यहाँ पर विशेष रूप से भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जो है यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर रुद्राभिषेक और अन्य तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे। इसके अलावा किसी भी तरह के ग्रह का प्रकोप अगर आप कर है तो भी इस तरह की पूजाएं यहां पर की जाती है। गठबंधन बांधने की ये परंपरा काफ़ी पुरानी है क्योंकि इस गठबंधन के जरिए ही लोग अपनी मनोतियां पूरी करते हैं। गठबंधन यहां पर भोलेनाथ के शीर्ष से लेकर माता पार्वती के शीर्ष तक बांधा जाता है और आप अपने स्वेच्छा से जिस कीमत का चाहें उस कीमत का ये धागा यहाँ पर खरीद सकते हैं जो कि 500 रुपये से लेकर आप क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ के तमाम पुजारी जो हैं वो आपको गठबंधन कराएंगे और ये गठबंधन जो है वो पुजारी के संकल्प के बाद ही यहाँ पर होता है। ये कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि करने के लिए धन के लिए और परिवार में सुख शांति के लिए इसे बांधा जाता है। ये भंडारी बाबा मंदिर के शीर्ष पर बांधते हैं उसके बाद जो यजमान जो ये कराते हैं वो इसे फिर पार्वती मंदिर पर ले जाते हैं और वहाँ पर फिर भंडारी इसे ऊपर ले जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार ये बांध सकते हैं, जितने आपकी क्षमता रहती है उसके अनुसार आप धागा बांध सकते हैं। ये मनोकामना लिंग है, यहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ये शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग है साथ में, इसलिए भारतवर्ष के कोई भी मंदिर में जाएंगे ये चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। इसलिए यहाँ पे लाल धागा ये गठबंधन का महत्व है। जोड़ा में इसको मनोकामना के लिए जो भी आते हैं ये लाल धागा को बांधते हैं मन में सच्चे हृदय से, तो बाबा उसके मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। यही यहाँ की विशेषता है। यहाँ से आप लोग गठबंधन करा रहे हैं, क्या जानकारी है, गठबंधन क्यों कराते हैं, क्या पुजारी जी ने बताया? गठबंधन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और मैं आई बिलीव मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, फिर भी मैं भोले शंकर पे इतना विश्वास करता हूँ कि मेरी जिंदगी चल रही है उन्हीं की भरोसे। माँ पार्वती और भोले शंकर के भरोसे ही मेरी जिंदगी चल रही है, वरना पढ़े लिखे तो बहुत लोग होते हैं आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन ये बाबा जो है मैंने कचरा से तुम्हें ऊपर बैठाने वाला बाबा है। नित्य दिन जल ढारिये आप लोग और बाबा एक लोटा जल का महत्व आप ढारिएगा तब समझ में आएगा। आप जब भी आते हैं गठबंधन करा? हाँ, ये दूसरी बार है, जब भी नहीं, ये दूसरी बार मेरी गठबंधन करवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम पटना से आए हैं। आपकी मनोकामना जिस तरह से है, आपकी श्रद्धा भगवान भोले की तरफ जिस तरह है और आपकी क्षमता जिस तरह से है, आर्थिक स्थिति जिस तरह, उस तरह का धागा जो है आप लोग इससे बांध सकते हैं। ये तमाम धागे जो होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और अपने अनुसार से जो है आप इस धागे को आप ले सकते हैं। अच्छा, ये धागा हर तरह का मिल जाता है ना यहाँ? हाँ, हर तरह से। कितना तक में मिल जाता है? सब तरह का है, 251 का है, 501 का है, जैसे लीजिएगा, जैसे यजमान का जैसे शक्ति है वैसे वो काम करते हैं। कुछ लोग साड़ी भी बनवाते हैं? हाँ, साड़ी भी बनाता है, धोती साड़ी।
जिनका जैसा क्षमता है वो जल सके। देखिए भोलेनाथ जो है आपको एक दिखाते हैं कि देखिए ठीक मंदिर के शीर्ष पर आप देखिए कि ये इसी इन्हें भंडारी कहते हैं, ये बाबा भोलेनाथ के भक्त होते हैं और ऊपर शीर्ष पर चढ़ते हुए आप देखते होंगे ठीक इनके पीठ पर जो है ये गठबंधन बांधा हुआ रहता है और ये मंदिर के बिल्कुल शीर्ष पर पहुँचते हैं और वहाँ पर बाबा का जो ये गुंबज है जिसे पंचशूल कहते हैं उसके कलश में बांधते हैं और दूसरी तरफ माता पार्वती के जो शीर्ष होता है उसके बीच ये बात तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि आप माता पार्वती और भोलेनाथ के शीर्ष पर ये गठबंधन बांधा गया है और इस गठबंधन को ही यहाँ महत्व दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कि इससे दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि और धन धान से लोग परिपूर्ण होते हैं। वाय अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने के बाद जो है यहाँ भोलेनाथ के भक्त जो है वो गठबंधन कराते हैं और ये गठबंधन की परंपरा जो है ये हजारों सालों से यहाँ पर चलती आ रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भोलेनाथ की जो ये नगरी है इसे समर्पण की नगरी तो कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की पूजा पद्धति और यहाँ की परंपराएं जो है ये इस मंदिर को विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर बनाती है जो शायद ही कहीं देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।